नाज़रीन, खबरों का सिलसिला कुछ मजीद आगे बढ़ाते हुए आपको बताएं कि दौरे जदीद के तकाजों से हम आहंग, हमारे नौजवान सलाहियतों में किसी से पीछे नहीं है। मकामी सतह पर जदीद टेक्नोलॉजी के हामिल ड्रोन्स तैयार किए गए हैं और इस हवाले से देखते हैं कराची से सदा जावेद की रिपोर्ट। दुनिया भर में तेजी से बढ़ती हुई टेक्नोलॉजी और नित नई साइंसी इजादात की दौड़ में पाकिस्तानी नौजवान भी किसी से पीछे नहीं। अपनी काबिलियत और सलाहियतों को बरोए कार लाते हुए कराची के ऐसे ही नौजवानों ने रोबोटिक ड्रोन्स तैयार किए हैं। ये नौजवान टेक्नोलॉजी के मयार को बेहतर बनाने और जिद्दत लाने में कोशा हैं और अपनी भरपूर सलाहियतों का इस्तेमाल करते हुए 50 से ज्यादा फ्लाइंग ड्रोन्स तैयार किए हैं। इन फ्लाइंग ड्रोन्स का नाम बर्ड डी दिया गया है, जिसका मतलब ड्रोन इंटरैक्टिव रोबोट ड्रोन है। सारे ड्रोन्स इन हाउस बिल्ड है, हमारी अपनी वर्कशॉप है एक छोटी सी नीचे कमरे में और सारा का सारा काम हमने खुद किया है। हम एक ही जगह बैठ के काफी सारे ड्रोन्स को काफी साथ उड़ाते हैं, तो उसको हम लोग स्वामिंग कहते हैं। स्वामिंग आप ड्रोन्स को पोजीशन जगह जगह कर सकते हैं, तो इससे आप जब इनमें लाइट्स लगा देते हैं तो ये ड्रोन शोज बन जाते हैं। तो आप आसमान में तस्वीरें बना सकते हैं, लोगोज बना सकते हैं, कंपनीज के मैसेजेस लिख सकते हैं, तो ये सारा आप ड्रोन शोज में करते हैं। ड्रोन में रंग बिरंगी लाइट नस्ब की गई है। इन नौजवानों ने कमाल महारत से ये ड्रोन्स तैयार किए हैं और अब इन ड्रोन शोज से बड़े पैमाने पर लोगों को अपना हुनर दिखाना चाहते हैं। इतना बड़ा आसमान है तो नंबर ऑफ ड्रोन्स भी इसमें आप जितने बढ़ाते जाएं उतनी खूबसूरती इसकी बढ़ती जाती है। 10 कंपनीज भी नहीं है ऑल ओवर द ग्लोब, तो उसमें से वी आर अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से हम 8 नंबर पे स्टैंड करते हैं। आसमान में रोशनी बिखेरते ये ड्रोन्स बयक वक्त मुख्तलिफ अशकाल, ज्योमेट्रिकल डिजाइन और खास पैटर्न पर रहकर दिलकश मनाजिर पेश करते हैं। वतन अजीज के नौजवान तालीम और खेल के मैदान समेत टेक्नोलॉजी में भी दुनिया भर में नाम रोशन कर रहे हैं। सबा जावेद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़।